रात को सोया 4 बजे के आसपास, और फिर उठा हूँ मैं कुछ 1 बजे के आसपास, और मैं ऊपर आया अपने कमरे में, देखा इसी वाले भैया लगे हुए हैं। आज 5वीं बार आए हैं इसी सही करने, सब कुछ उन्होंने करके देख लिया फिर से। लेकिन फिर से क्या सुनने को मिलता है कि हमारा एसी सही हो गया है। यस, हमारा एसी सही हो चुका है और फाइनली कूलिंग कर रहा है कमरा। और आज वैसे भी गर्मी है, कल भी गर्मी थी, पिछले 2-3 दिनों से गर्मी थी, तो एसी सही हो चुका है। सही है। तो भैया अभी बस एक पाइप वगैरह रह गया लगाना, वो लगा रहे हैं अभी। हाँ, आज तुमने अपना केस सॉल्व कर ही दिया था। लेकिन ये पूरा आउटलेट चेंज हो गया, चेंज मेरे को लगा नाइट्रोजन मारा होगा तभी जाके होगा। तो इसमें आउटडोर लगा हुआ, ये मेरे भैया भाभी के कमरे वाला है, उनके कमरे में भी दौड़ है नहीं एसी की, उनके यहाँ कूलर से काम चल जाता है, ये बिकॉज उनके नीचे वाले कमरा है। और ये हमारा वाला आउटडोर है, इसमें ये कह रहे कुछ है इशू नाइट्रोजन का, कि वो नाइट्रोजन देखेंगे बाद में जब कभी होगा। अरे जब मैंने मोटो ब्लॉग किया था तो मोटो ब्लॉग को लेके भी मेरे को इशू पता लग चुका था, बिकॉज इसके लिए चाहिए TRRF केबल होती है। तो ये बिकॉज इसमें जो मैंने अभी माइक लगा रखा उसमें 2 पॉइंट है, और जो मैं मोटो ब्लॉग वाला सेटअप लगा रहा था उसमें था 3 पॉइंट, तो उसके लिए केबल कनेक्टर होता है, वो लेके आना पड़ेगा। तो सोच रहा हूँ मैं जाऊँगा, अभी दोपहर हो रही है, जब थोड़ा शाम होगी तो मार्केट में जाके देखता हूँ किसी इलेक्ट्रिक वाली शॉप पे, और देखते हैं वहाँ मिलता है नहीं मिलता, नहीं तो ऑनलाइन होना पड़ेगा, और फिर देखते हैं कि होता है नहीं। अभी लग रही है भूख, खाना वाना खा लेता हूँ, बिकॉज मैं उठाऊँ नहा धो के रेडी हो चुका हूँ फिलहाल। ऊपर का बेटा आ तो रही हवा, आज लग रहा है ठंडी ठंडी हवा लग रही है। यहाँ पहले पर्दा लगाना पड़ेगा, पाइप और दे दियो काट के, चल मैं दे के आऊँ पीछे पानी के लिए, नहीं तो क्या ना बज रहा है सी आ गया, नहीं तो पानी के वो जो तार से जा रहा ना वहाँ मैं ऐसे पत्थर सीधे बांध देंगे। क्या बोल रहे थे पहले बताओ। मेरे को टिकटॉक अच्छी नहीं लगती। नहीं लगती, वेरी गुड। क्या आपको टिकटॉक अच्छी लगती है? नहीं लगती है। नहीं, वेरी गुड गर्ल। मेरे को अच्छी लगती है। यू आर अ बैड गर्ल। अच्छी नहीं लगती इसको। हां, यू आर अ वेरी गुड गर्ल। मैं तो बताऊं क्या चाह रही है, अभी टाइम हो रहा है करेक्ट 5, और दुकानें खुल चुकी तो होंगी, बिकॉज वो फटाफट जाके मैं जाता हूँ बल्लभगढ़। सो मुझे लगता है कि शायद बल्लभगढ़ में ही मिल सकता है जो है माइक का अडेप्टर है, वो माइक का जो TRRS केबल है। लेट्स सी, वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि मिलता है नहीं मिलता, तो फटाफट चलते, नहीं तो फिर शाम को क्या शॉप बंद हो जाएंगी। और आसपास में कोई शॉप्स है क्या यार? आसपास में आई डोंट थिंक सो कि कोई होगी, और चलो फटाफट चलते हैं लड़को। अभी सिर्फ एक लास्ट शॉप थी ये ऑप्शन, बहुत सारी शॉप्स में घूम ली ऑलमोस्ट फरीदाबाद में, जितने मेरे आसपास दुकानें थी सारी दुकानों पे घूम ले गए। लास्ट शॉप थी ये वाली अंकल जी की, जैन जैन सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ मिल गया, तो मिल गया, यहाँ मिला था कनेक्टर, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। अब क्या है, जब प्रॉपर से शायद लॉकडाउन खुलेगा और अच्छे से, तो शायद तब मुझे ऑनलाइन भी, अब मुझे डर लग रहा है, ऑनलाइन मिल तो रहा है लेकिन मुझे डर लग रहा है ऑनलाइन मंगाने के लिए। क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा दिन खराब है, इतना ज़्यादा दिमाग खराब किया कुछ बता नहीं सकता। मतलब अपने यहाँ के आसपास की सारी दुकानें छान मारी इलेक्ट्रिशियन की, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिल रहा यार, ये बड़ा पंगा है यार। कभी कुछ ले सेटअप लो, कभी कुछ सेटअप लो, कभी ये लो, कभी वो लो, मतलब दिमाग की दही हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से। मैं क्या बताऊँ, मैं बस पता नहीं कब नसीब में होगा। और दुकानें ऑड इवन में चल रही है, सामने इधर वाली सारी दुकानें खुली हुई हैं, राइट वाली सारी दुकानें बंद हो रखी हैं। सही है, ये है बल्लभगढ़ घंटाघर चौक, नहीं घंटाघर नहीं, अंबेडकर चौक है ये सामने जो है, ये है अंबेडकर चौक। हाँ, यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिशियन की तगड़ी तगड़ी दुकानें थी सब पे पता कर लिया, एक ही दुकान पे मिला, लेकिन वो भी कामयाब नहीं रहा। अब करें तो क्या करें भाई, चलो चलते हैं वापस घर यार। ये अंबेडकर चौक की ये वाली फेमस दुकान है, यहाँ पर भी पता कर लिया, अंदर मेन थी वो भी पता कर लिया,
कुछ भी काम नहीं बना यार, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, अब क्या करूँ। चलो अब घर ही चलते हैं यार। ये है 3 कट्टर का नया पल। अभी ना रात के बजे 3। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं वहाँ से तो आ गया था, तो यह बाइक का काम अपना नहीं हुआ, जो भी मेरा माइक का सेटअप था। तो मैं आप लोगों को पता नहीं कुछ अजीब सी आवाज़ आई थी, इसलिए देखने लगा। तो हुआ क्या कि मैं वहाँ से तो होके आ गया, लेकिन कहीं मुझे माइक का सेटअप नहीं मिला। और अभी मेरे साथ क्या हुआ कि मैं वहाँ पे बैठ कर एडिटिंग कर रहा था। सो ये इसी वाले व्लॉग को मैं एडिट कर रहा था। 5-6 मिनट की जो है व्लॉग एडिट हो चुका था, पिछले 1.5-2 घंटे से लगा हुआ था व्लॉग एडिट करने में। लेकिन क्या हुआ, जल्दी जल्दी के चक्कर में पता नहीं क्या डिलीट का बटन दब गया, कंट्रोल एस दब गया। तो मतलब अगर कंट्रोल एस नहीं दबता तो मैं उसको कंट्रोल बी करके उसको वापस ले आता, लेकिन फिर से मुझे एडिट करना पड़ेगा। सही है, फिर से मतलब मेरा 1-1.5 घंटा फिर से बर्बाद जाएगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ ये चीज़ भी, और ब्लॉग को एंड करने का भी टाइम आ चुका है। बिकॉज अब कुछ है नहीं, इस ब्लॉग को हम सुबह डालेंगे 9 बजे के आसपास। सो बस यही बोलना चाहता हूँ। और आई नो कि पता नहीं यार, कुछ है नहीं घर में, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। जो भी है, दोनों चैनलों पे हर रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ, इस पर ब्लॉग डाल रहा हूँ, दूसरे वाले चैनल पे भी वीडियो डाल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना जाके, जहाँ जो भी चीज़ आपको देखनी हो देख सकते हो। यहाँ ब्लॉग देखने ब्लॉग देख सकते हो, वहाँ जॉब के रिगार्डिंग जो वीडियोज़ बना रहा हूँ वो देख सकते हो। तो बस यार, आज ये छोटा सा ब्लॉग था, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। कमेंट भी कर दिया करो, कुछ तो किया करो, खाली हाथ मत जाया करो, यहाँ तक देखते हो ना एंड तक, तो प्लीज़ कुछ करके जाया करो। चलो बस आज के लिए वह, टेक केयर, जय हिंद। अभी मैं पीऊँगा चाय, बनाऊँगा पीऊँगा, और फिर अभी क्या है ना, हाँ तो बस यही है। और काफ़ी बाल जो है लंबे भी हो चुके हैं, आई नो दैट, तो मैं इसको कल काटूँगा। कल है आज, मतलब आज काटूंगा, आज क्या फ्राइडे है ना, आज फ्राइडे है तो बाल काटूंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबे हो चुके हैं। सो चलो यार, रखते हैं, बाय, टेक केयर, जय हिंद।